नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में, जबकि आज मार्केट देख रहे हैं आपका साइडवेज है, उसके बाद भी इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा तेजी देखने मिला है। तो दोस्तों, ये स्टॉक्स मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि जब भी गिरावट पर मिले इस स्टॉक में आपको जरूर बाय करनी चाहिए। तो ये स्टॉक्स है हमारे डिक्सन टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज भी देखते हैं ये स्टॉक्स काफ़ी अप है, और जो इसका कल का प्राइस था, कल जो ये स्टॉक्स था हमारा वो था 8500 के आसपास, और आज देखते हैं ये स्टॉक्स हो चुका है 9000 का, मतलब 500 रुपीज का इसमें मोमेंटम है। तो ये स्टॉक्स कभी भी आप देख सकते हैं, ये इस प्राइस पे लगातार अपना मतलब सपोर्ट ले रहा है, वो है 8000 या 8500 के आसपास। तो 8500 इस बीच में ये लगातार सपोर्ट ले रहा है। पहले ये रेसिस्टेंस की तरह ये देख सकते हैं यहाँ पर वर्क करता था, इस लेवल को क्रॉस करने में स्टॉक्स काफ़ी वक्त लिया, और अब इसी प्राइस रेंज पे, मतलब इसी प्राइस पे ये लगातार सपोर्ट ले रहा है। तो इस प्राइस से अगर नीचे आता है तो थोड़ा सा और ज़्यादा हमें करेक्शन देखने मिल सकता है, लेकिन अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है, देखते हैं ये स्टॉक अगर 9100 के ऊपर जाता है तो फिर से हमें इसमें एक ऊपर का मोमेंटम देखने मिल सकता है, और अगर 10000 के को क्रॉस कर जाता है, अगर 10000 के प्राइस को क्रॉस कर जाता है तो एक बड़ा मोमेंटम इसमें देखने मिल सकता है। दोस्तों ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, और काफ़ी मतलब बेहतरीन सेक्टर का स्टॉक है, जो इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसकी हम बात फंडामेंटल एनालिसिस में करते रहते हैं कि प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। आप जो जियो का सेटअप बॉक्स यूज करते हैं वो भी यही कंपनी बनाती है, तो कई सारे प्रोडक्ट हैं इस कंपनी के जो काफ़ी बेहतरीन है, और इस कंपनी का आप ट्रेंड देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन है। देख लीजिए ये लगातार अप ट्रेंड में था, और यहाँ पर आकर के ये स्टॉक्स लगातार कंसोलिडेट हो रहा है। तो आप यहाँ पर वेट एंड वॉच कर सकते हैं कि स्टॉक्स जो है ऊपर का मोमेंटम देता है या नीचे का, क्योंकि जब तक आपको किस साइड का रेंज ब्रेक करते हुए ये स्टॉक्स नहीं देखने मिलता है, तब तक आपको वेट एंड वॉच करनी चाहिए। देखते हैं लगातार ये स्टॉक का जो ट्रेंड है, यहाँ पर देखते हैं इस ट्रेंड को ये फॉलो कर रहा है, यहाँ पर देखते हैं ये इस ट्रेंड लाइन के अभी ब्रेक नहीं कर रहा है। तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम इसके नीचे आने का मतलब और ज़्यादा करेक्शन के लिए वेट कर सकते हैं, या अब 10000 के लेवल को ये क्रॉस करता है तो हम इसमें एक बुलिश मोमेंटम के लिए ट्रेड ले सकते हैं, जिसको हम पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो पोजिशनल ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग निश्चित रूप से आपको जिरोधा में लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप स्टॉप लॉस आप अपना लगा सकते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में। तो आप या मार्केट में करेक्शन का वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो हमारा निफ्टी चल रहा है वो 12000 के आसपास चल रहा है, तो जो कि हमारा मतलब के हैं जो पैंडमिक था वहाँ से अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुँच चुका है। तो अगर यहाँ से लगातार निफ्टी ऊपर जाता है अच्छी बात है, लेकिन जो कोरोना वायरस का सिचुएशन है उसके कारण जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई है उसके कारण काफ़ी सारे कयास काफ़ी सारे चैनल पर आपको ये बोला जाएगा कि ऐसे बहुत ज़्यादा मार्केट क्रैश होगा, ये होगा, तो इसलिए आपको कहते हैं हमेशा स्टॉप लॉस को मेंटेन करके रखें। ये एक बेहतरीन शेयर है जिसमें आप मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए जब भी इन्वेस्ट करें तो आप जो है SIP मोड में इन्वेस्ट करें, जैसे ये स्टॉक में करेक्शन आया तो आप वहां पर एक स्टॉक बाय करें, फिर ज़्यादा करेक्शन आता है तो नीचे के प्राइस पर हम बाय करेंगे, अगर ऊपर जाता है तो ऊपर के प्राइस पर हम दूसरा स्टॉक बाय करेंगे। इस तरह से आपका एवरेज आउट एक अच्छा मतलब प्राइस लेवल पर आपका बाइंग होगा, तो इस तरह से बाय करना। और जो भी ट्रेडिंग के लिए है, पोजिशनल ट्रेडिंग हो या स्विंग ट्रेडिंग हो, उन्हें हमेशा स्टॉप लॉस के साथ बाय करनी चाहिए। स्टॉप लॉस अगर आपका हिट होता है तो एग्जिट करेंगे, या ऊपर जाता है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। अब जैसे इस ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर का मोमेंटम दिखाता है तो जहां बाय करेंगे उसके जस्ट नीचे ये जो सपोर्ट होगा उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर ये फिर से ऊपर के जो ये रेसिस्टेंस का जैसा काम करेगा या कहें ऑल टाइम हाई इसको ब्रेक करता है तो इस यहां जैसे ब्रेक करेगा तो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जस्ट इस ऑल टाइम हाई के नीचे लगाएंगे अपना स्टॉप लॉस, और जैसे ऊपर मोमेंटम दिखाता जाएगा तो हम अपने स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते चलेंगे ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो लॉक हो जाए। प्रॉफिट को लॉक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जैसे जैसे मतलब ऊपर चलते जाएगा हम स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते जाएंगे, उससे हमारा प्रॉफिट लॉक होते जाएगा कि उस प्राइस पर आता है तो हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, तो प्रॉफिट लेना काफ़ी आवश्यक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, और ये जो स्टॉक्स है काफ़ी बेहतरीन है, आप वीकली चार्ट पर देख सकते हैं या आप किस
किसी भी चार्ट पर देखिए, देख सकते हैं स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। पहले ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बियरिश था, देख सकते हैं, लेकिन जब से हमारा आत्मनिर्भर भारत, ये बहुत सारे मतलब चाइना प्रोडक्ट बैन, तो ये इस स्टॉक पर ज़बरदस्त मोमेंटम देखने मिला है। यहाँ पर देख लीजिए, ये स्टॉक यहाँ से काफ़ी ज़्यादा रैली किया, यहाँ से फिर जो है 5000 के आसपास गया, वहाँ से काफ़ी करेक्शन इसमें देखने मिला, जो पैंडमिक के कारण गिरावट था मार्केट में, और ये यहाँ से 3000 रुपीज़ का स्टॉक्स अब जा चुका है 10000 के आसपास। तो यहाँ से हो सकता है इसमें 20% 30% का करेक्शन भी आ जाए, या हो सकता है स्टॉक अपना मोमेंटम को कंटिन्यू रखे, अगर हमारा जो आत्मनिर्भर भारत है, चाइना प्रोडक्ट बायकॉट है, अगर वो स्ट्रांग होता है तो निश्चित है इस स्टॉक में मोमेंटम बना रह सकता है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर तो करिएगा ही, साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।